दोस्तों अभी आप बजाज की दो बाइकें देख रहे हैं, पल्सर 125 ये वाली जो काफ़ी टाइम से आ रही है, और ये नई पल्सर N125। आज दोनों को कंपेयर करेंगे, वीडियो छोटी सी रहेगी लेकिन इन दोनों बाइकों में से आपको ये जरूर पता जाएगी कि ये वाली बाइक किन लोगों को जो है एक अच्छी ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और इस बाइक की ओर N125 की ओर किनको आना चाहिए, दोनों में फ़ीचर का कितना डिफरेंस है, कीमत का कितना जो है अंतर देखने को मिलना है दोनों में, और माइलेज का कितना फ़र्क है, कौन सी भारी है कौन सी जो है हल्की है, सीट का अगर मैं बात करूं हाइट किसकी सीट की ज़्यादा रहती है, सारा कुछ आज की छोटी सी वीडियो में हम जो है कंपेयर करने वाले हैं दोनों बाइकों के ऊपर। तो चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ऐसी जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए जो है आपको चैनल पर देखने को मिलती रहती है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कार बाइक ट्रक व्रक बस सारे जो है वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ डिज़ाइन से। देखो डिज़ाइन वाइज दोनों बाइकें थोड़ी सी अलग रहती हैं, सिंपल सी भाषा में कहूँ तो ये जो है बाइक नेकेड स्ट्रीट सेगमेंट की है, थोड़ा सा ये शब्द अलग से लग रहे होंगे, सिंपल सी भाषा में ये लड़कों को खासकर कॉलेज जाने वालों को लॉन्डो मॉन्डो को इस डिज़ाइन की टाइप की काफ़ी स्लिम ट्रिम सा डिज़ाइन है उनको जो है ज़्यादा पसंद आएगी अगर वो देखते हैं सामने से। तो इस वाली बाइक को कौन लेगा फिर, इस बाइक को ज़्यादातर काफ़ी टाइम से चली भी आ रही है जानते ही हैं, लगभग 30 से 35 साल का जो एज ग्रुप है उससे ऊपर का, डेली यूज के लिए 125 सीसी की, थोड़ा जो माइलेज भी अच्छा दे उस हिसाब से ये लोग ज़्यादातर जो है वो ऐसी जो है डिज़ाइन की सिंपल सोवर सी बाइक जो है पसंद करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो लोग यही लें, वो ये भी ले सकते हैं, बाकी आपके ऊपर चॉइस है। सिंपल सा मैंने बताया डिज़ाइन वाइज कौन सी कैसी लगती है, थोड़ी सी ये पतली सी लगती है, थोड़ा सा हैवी सा लुक आता है इसका। तो ये था, अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सी भारी है कौन सी हल्की है, किस में सीट हाइट कैसी है। तो देखो वेट की अगर मैं बात करता हूँ तो वेट में इस वाली पल्सर की बात करी जाए N125 की, तो इसका वेट रहता है 125 से 127 केजी के आसपास, और इसका वेट है 142 केजी के आसपास। तो 142 केजी की है, 127 केजी की है, तो हल्की कौन सी रहती है, ये वाली आपको जो है हल्की देखने को मिलती है। तो हल्की में क्या है, आपको पावर अच्छी मिल जाएगी क्योंकि पावर टू वेट रेशियो यहाँ इसका फ़ायदा आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि बाइक हल्की है, इंजन वही 125 सीसी का है, पावर लगभग दोनों में लगभग सेम है, बताऊँगा कितना एग्जैक्ट कितनी पावर है, तो उस हिसाब से इसमें पावर इस बाइक में अच्छी देखने को मिल जाती है, और इसका वेट जो है 142 केजी का है। अब नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस कितना किसका रहता है, तो देखो ग्राउंड क्लियरेंस इसका अच्छा खासा है, 198 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस नीचे से, तो नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों में ज़्यादा रहना रहता है आपका, गाँव की जो है सड़कें ख़राब है, बहुत ही उबड़ खाबड़ ब्रेकर हैं, तो वहाँ नीचे से तो ये ज़्यादा सेफ रहेगी। इसका 165 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस है, ये चीज़ इसको थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस में पीछे कर देती है, 165 एमएम का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। अब सीट हाइट की बात करता हूँ मैं, सीट हाइट ऑन फिगर में बात करें तो यहाँ पल्सर की जो रहती है 790 एमएम की रहेगी सीट हाइट, और इसकी जो है आपकी लगभग जो है आपका 795 एमएम की जो है सीट हाइट रहती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों में जो है स्प्लिट सीट आपको मिल जाती है कुछ ऐसी, इसमें भी जो है स्प्लिट सीट और सिंगल सीट का ऑप्शन भी रहता है इसमें जो है पल्सर में, इस वाली में N125 में आपका ऑप्शन नहीं है सिंगल सीट का। और ये कुछ था यहाँ पर डायमेंशन की बात करूँ और या फिर जो है ग्राउंड क्लियरेंस वेट की बात करी जाए, डिज़ाइन की बात करी जाए, अब ज़रा फीचर्स की बात करते हैं फिर इंजन की बात करेंगे। सबसे पहले फ्रंट लुक आप मेरे को बताएँ किस वाली का जो है आपका आपको अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन वाइज कौन सी बाइक आपको जो है अच्छी देखने को मिल रही है। सबसे पहले इसके फ्रंट की ओर आते हैं तो इसमें देखिए आपके नॉर्मल से वही ब्लैक कलर के क्लच ब्रेक लीवर देखने को मिलेंगे, इसके इंडिकेटर नॉर्मल हेलोजन में नॉन फ्लेक्सिबल वाले मिलते हैं, ये आपने फ्रीडम में भी देखे होंगे CNG बाइक में, इसमें इंडिकेटर फ्लेक्सिबल वाले हैं, थोड़ा टूटने की कम दिक्कत, कभी कभार कोई टकराता है तो दिक्कत कम रहती है, तो इसमें हेलोजन में भी इसमें भी हेलोजन में दे रखे हैं, दोनों में इंडिकेटर सेम है। लाइटों की बात करूँ इसमें हेडलैम्प आपको जो है नॉर्मल येलो वाली दे रखी है, येलो लाइट वाली हेलोजन वाली, और यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको लाइट पूरी LED में दे दी जाती है, तो इसमें पूरा LED लाइट का सेटअप मिलता है। डिज़ाइन दोनों का जैसा बाइक का डिज़ाइन है उस हिसाब से हेडलैम्प का दोनों का अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलता है। पल्सर ये बहुत टाइम से चली भी आ रही है तो ये बहुत सारे लोगों को पसंद भी आती है, कई सारे लोग जो है देख के थोड़ा सा बोर भी हो गए हैं तो मेरे ख्याल से ये भी पसंद कर सकते हैं, वो डिज़ाइन का थोड़ा अपना अलग सब्जेक्टिव चीज़ रहती है, किसी को कोई डिज़ाइन पसंद आएगा किसी को ये पसंद आएगी, तो ऐसा कुछ है। बाकी अब फ्रंट की बात करें, फ्रंट का मड गार्ड दोनों में अलग अलग, इसमें कार्बन फाइबर स्टिकर है, इसमें कुछ नॉर्मल सा नॉर्मल आपका मड गार्ड दे दिया जाता है, यहाँ पे
इस तरीके पैनल रेड कलर के लगे हुए हैं। इसमें सस्पेंशन टेलीस्कोपिक आते हैं, इसमें लेकिन कवरिंग दे रखी है N125 में, इसमें कवरिंग नहीं मिल रही है। दोनों की मोटाई सस्पेंशनों की लगभग सेम टू सेम देखने को मिल जा रही है। टायर इसमें जो है यहाँ पे MRF का है, इसमें C8 का टायर दे रखा है। प्रोफाइल दोनों की सेम है, 80-117 इंच का जो है टायर दोनों में ही है, लेकिन एक में MRF एक में C8 है। तो कंपनियाँ अलग अलग टायर जो है मैन्युफैक्चरर से टायर लेती हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग देखने को मिलते रहते हैं। इसमें डिस्क वही 240mm की नॉन ABS, ABS नहीं आता इसमें, इसमें भी वही वाली डिस्क मिलेगी 240mm की डिस्क विदाउट ABS, एक तरीके से कॉम्बी ब्रेकिंग वाला थोड़ा सिस्टम आपका इसमें मिल जाता है। तो ये कुछ थी जो है यहाँ पे फ्रंट में। अब इंजन की बात करते हैं। सबसे पहले तो इंजन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे किक मिल रही है इंजन में, तो ऐसा नहीं है कि रेडर जो आती है उसमें किक गायब रहती है, तो यहाँ पर बजाज ने अभी किक गायब करना स्टार्ट नहीं करा है। तो ये जो पल्सर है इसमें जो पावर है आपको 18 और आपकी 11.8 PS की मिलती है, 10.8 है 10.8 NM का जो है टॉर्क मिल जाता है, और यहाँ किक मिल रही है, टोटल 5 गियर मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा भारी 142 kg की, तो पावर टू वेट रेशियो का फ़ायदा इस वाली बाइक में है। और इसकी पावर कितनी है, इसमें भी वही 125 cc का इंजन है, लेकिन पावर इसमें 12 PS 12 PS की पावर जनरेट हो रही है, 11 NM का टॉर्क जनरेट हो रहा है। तो लगभग जो है 0.8 जो अगर बात करूँ यहाँ पर 0.2 NM का जो है वहाँ पे इससे कंपैरिजन में टॉर्क थोड़ा सा बड़ा है, और पावर भी लगभग जो है यहाँ पर इस वाली जो है पल्सर की थोड़ा सा आपको जो है कम रहती है 0.2 PS की। बाकी किक है इसमें, टोटल 5 गियर हैं, तो वेट में कम है, तो थोड़ा पिकअप चलाने में आपको इसमें ज़्यादा लग सकता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। बाकी फुट पैडल वही दोनों में सेम टू सेम देखने को मिल जाते हैं, और किक दोनों में ही मिल रही है। सीटों की बात करूँ, सीट थोड़ी सी लंबी यहाँ से देख लें इस वाली बाइक की N125 की लगती है दिखने में लंबी। इसमें तो 3 लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन 3 लोग बैठने नहीं है, 2 ही लोग जो है यहाँ पे राइड करेंगे तभी आप सेफली राइड कर सकते हैं। इसमें भी सिंगल सीट का ऑप्शन आता है, वो थोड़ी लंबी लगती है, लेकिन स्प्लिट सीट में ये थोड़ी सी सीट इस वाली से छोटी देखने को मिल जा रही है। दोनों में ग्राफिक्स अलग अलग से रहते हैं। यहाँ से अगर आप देख रहे हैं इसके पैनल अलग हैं, इसके पैनल अलग हैं, वो थोड़ा डिज़ाइन की बात अलग है। पेट्रोल टैंक किसका कितना है, तो इसका लगभग 11.5 लीटर का है, इसका जो है 9.8 लीटर का, लगभग 10 लीटर का, तो लगभग 1.5 लीटर का फ़र्क आ जाता है यहाँ पर। अब माइलेज कौन सा देगी ज़्यादा ये बताओ आप सो कह रहे होगे। तो देखो माइलेज की अगर मैं बात करूँ, इसका वेट थोड़ा कम है, भले ही पावर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पावर टू वेट रेशियो इसमें फ़ायदा मिलेगा, तो थोड़ा माइलेज मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा मिल सकता है। और रिफाइनमेंट इस वाले इंजन में मेरे को थोड़ी सी अच्छी देखने को मिली। ज़रा एक बार स्टार्ट करूँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो कुछ ऐसी स्टार्ट हो जाती है, और जब N जुड़ जाता है ना, थोड़ा इंजन में भी कह सकते हैं N125 N सीरीज़ में आ चुकी है, तो इंजन में थोड़ा रिफाइनमेंट और आपको पावर अच्छी खासी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी इसको स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल से ये स्टार्ट नहीं होगी, इसमें शायद पेट्रोल नहीं है, तो इसमें अभी स्टार्ट नहीं करते हैं। तो इसकी तो साउंड आपने बहुत पहले से आ रही है तो सुनी होगी, तो रिफाइनमेंट इस वाले इंजन में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इसका एग्जॉस्ट अंडर बैली एग्जॉस्ट रहता है, तो बाहर को निकला हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ तक जो है इसका साइलेंसर यहाँ पे दे रखा है। अब पीछे की बात करें तो पीछे जैसे आप आते हैं रियर में साइलेंसर जैसा कि इसका अलग से निकला हुआ है, इसका किक आपको जो है थोड़ा ऐसी चमकने वाली सिल्वर में दे रखी है, और बाकी यहाँ से पीछे सस्पेंशन इंड्रंस के आपका नाइट्रॉक्स ऐसे ट्विन टाइप आपको कॉइल टाइप में मिलेंगे, और इस वाली में आपका जो है ऐसा मोनोसॉक सस्पेंशन यूज़ किया गया है। और बाकी जो है पीछे के टायर की बात करता हूँ, तो टायर इसमें भी रियर में C8 का है, और इसमें जो प्रोफाइल है वो दे रखी है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं 190 17 इंच की, और इसमें है यहाँ पर 180 17 इंच की। इसका थोड़ा सा चौड़ा आपको जो है टायर हल्का सा देखने को मिलेगा, मात्र लगभग 1 सेंटीमीटर का अंतर है। बाकी पीछे मिट्टी उछल के ना आए तो यहाँ पे गार्ड दोनों में दे रखे हैं, दोनों का रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं, दोनों की टेल लैंप अलग अलग डिज़ाइन की रहती हैं LED में, लेकिन हेलोजन इंडिकेटर दोनों में रहते हैं, फ्लेक्सिबल वाले इस पल्सर में आपको मिल जाते हैं। और इसके बाद सीट मैंने बता दी थी, सीट हाइट का मैंने बता दिया, फ्यूल टैंक का बता दिया। इसके बाद स्विचेस की बात करें, स्विचेस नॉर्मल से रहते हैं, और दोनों ही बजाज से हैं, तो
नॉर्मल से स्विच देखने को मिलेंगे, ये पास का, ये जो डिजिटल मीटर है यहाँ से आप जो चेंज कुछ कर सकते हैं, ये इंडिकेटर, ये ऑन का, ये यूएसबी पोर्ट दे दिया, कुछ चार्ज करना चाहे यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद जो ये ब्लूटूथ का साइन देख रहे हैं, यहाँ से कॉल एसएमएस सारा जो है अलर्ट यहाँ पे आपका दिखा देगा, जितनी भी लाइटें आती हैं न्यूट्रल की ये यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, ओडोमीटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपका जो है मिल जा रहा है, और फ्यूल लेवल का यहाँ दिखाएगा कितना पेट्रोल है, और टोटल ओडोमीटर, स्पीडोमीटर और लो फ्यूल की वार्निंग टाइमिंग का यहाँ पे आपका देखने को मिल जाता है। तो ऐसा इसका पूरा डिजिटल मीटर, ये इसका जो है आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये इंजन किल स्विच, ये इसका सेल्फ का, तो ये चीज़ इसमें दे रखी है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ आपको चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट यहाँ देखने को मिल जा रहा है, जो कि ये लेफ्ट साइड में दे रखा है, ऐसा है। बाकी इसमें हैंडल थोड़ा सा आपको बड़ा लगता है, स्प्लिट टाइप का हैंडल है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ आपको लगेगा अगर आप दोनों में साइड बाय साइड बैठते हैं तो। और बाकी यहाँ पे स्विचेस आपके नॉर्मल से मिलते हैं, ये पास का, ये आपका जो है इस डिजिटल मीटर में कुछ चेंज करना हो, ये इंडिकेटर, वही हॉर्न, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये इंजन किल स्विच, ये सेल्फ का। और बाकी जैसे आप मीटर देखेंगे, इसका मीटर थोड़ा सा अलग लगेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि आरपीएम मीटर है, यहाँ पे फ्यूल लेवल, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में स्पीड, यहाँ पे वार्निंग जितनी भी फ्यूल रिफ्यूल की आपकी इंजन की। बाकी ब्लूटूथ से पेयर करेंगे, वही कॉल एसएमएस अलर्ट आपकी जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आएंगी, और ऑडोमीटर, ये ट्रिप, बाकी जितनी भी लाइटें आती हैं इंजन चेक की, न्यूट्रल की, ये सारी सराउंडिंग में आपकी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ ऐसा है। बाकी हैंडलिंग की बात करूँ, देखो लॉन्ग टूर के लिए या शॉर्ट टूर के लिए दोनों की अगर आप हैंडल देखते हैं तो कंफर्टेबल हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि ये स्प्लिट टाइप का हैंडल रहता है, क्योंकि ये पूरा एक पीस में नहीं है, ये यहाँ से अलग हो जाता है, ये यहाँ से अलग, क्लिप टाइप के, तो इसका थोड़ा सा हैंडल हल्का सा इधर को निकला हुआ बड़ा सा लगता है। यहाँ अगर आप बैठते हैं तो यहाँ पे आपका जो है हैंडल एक ही पीस में एक ही बार में दे रखा है, तो ऐसा कुछ है। हैंडल इसका थोड़ा शॉर्ट टाइप का, कॉम्पैक्ट टाइप का आपका हैंडल देखने को मिल जाएगा। तो ये रहता है इसमें कंपैरिजन। अब आपको मेरे ख्याल से पता लग गया होगा डिटेल में एक एक चीज़ कौन सी कितनी भारी है, कितना ग्राउंड क्लियरेंस किसका ज़्यादा है, सीट हाइट का क्या मसला है पूरा, पावर टू वेट रेशियो मैंने बता दिया, अब वही रहता है एंड में कौन सी लें। तो देखो यार, आपको डिज़ाइन वाइज तो अलग चीज़ है, कलर वाइज अलग चीज़ है, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा रिफाइनमेंट चाहिए, थोड़ा पावर अच्छी चाहिए और नया फ्रेश डिज़ाइन चाहिए, तब तो आप ये ले सकते हैं। बाकी दोनों तो ऑप्शन आपके पास हैं, कीमत का इतना बहुत ज़्यादा 20-30 हज़ार का कोई डिफरेंस नहीं है, वही 1-2 हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है। तो ये थी दोनों बाइकों के बीच में जो है कंपैरिजन वीडियो। वारंटी वही 5 साल, लगभग 70-75 हज़ार किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो यही थी आज की वीडियो दोनों के जो है यहाँ पर डिटेल कंपैरिजन के ऊपर। वीडियो थोड़े भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो जरूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।